हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी? सो गाइज, आज की वीडियो जो है वो वीडियो नहीं, एक टाइप का व्लॉग ही होने वाला है, स्मॉल व्लॉग। सो गाइज, बिना देरी के शुरू करते हैं। सो चलते हैं अपनी गाड़ी में पहले, जो कि मैंने पहले से ही बाहर निकाल के रखी है। सो गाइज, जो मेरी पिछली वीडियोस थी वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि जो मेरा फ़ोन था, जो मेरा सस्ता सा सेकेंड हैंड फ़ोन था, वो जो है ख़राब हो गया था। क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है जिसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, बाकी फ़ोन और मतलब फ़ोन ही नहीं है और जिससे मैं वीडियो शूट कर सकूं अच्छी और आपको एक क्लियरेंस दे सकूं। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो गाड़ी है, मतलब फुली ऐसे व्लॉग टाइप बताऊंगा कि गाड़ी को ड्राइव कैसे करें। सबसे पहले अगर हम बैठे हैं गाड़ी में तो हमने चाहिए एक सीट बेल्ट, सेफ्टी फीचर फर्स्ट, और हमें अपना मिरर जो है वो सेट करके रखना है सेकेंड, जो तीनों मिरर हैं वो सेट होने चाहिए, और जो हमारी हैंड ब्रेक है वो एंगेज होगी, हमारे पैर जो हैं स्टेयर ऐसे रहेंगे, और जब हमें हैंड ब्रेक रिलीज़ करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, क्लच दबाना है और ब्रेक दबानी है। क्लच ज़रूरी नहीं है, इसको हम करेंगे नीचे और डालेंगे फर्स्ट गियर, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर फर्स्ट गियर हमारा यहाँ पर। सो अभी मैं आपको फिफ्थ गियर तक आपको बताऊँगा कि ड्राइव कैसे करनी है कार। सो गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं, चलते हैं आप अपनी ड्राइव पर। अपनी धीरे धीरे क्लच को छोड़ें और ये खासकर ध्यान रखें कि जब आप कहीं सिटी एरिया में हैं, सिटी एरिया की वीडियो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन आज जो है पहले मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जो है अपने नॉर्मल रोड्स की। जैसे हमारा अगर रोड देख सकते हैं आप, ज़्यादातर ये खाली ही होता है, देख सकते हैं आप पीछे भी। अब हम पीछे देख के जाएंगे कि कोई आ तो नहीं रहा है, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, जैसे ही थोड़ी सी आवाज़ आने लगी, गाड़ी बंद होने लगी है, वैसे ही हम गाड़ी को चलाने लगेंगे। सो चलाते ही हमारी गाड़ी चलने लगी है, और ये देखो अभी हमने फर्स्ट गियर में ये जो पावर है आरपीएम की, ये 1 से ऊपर जा रही है, इसको हम गियर चेंज करेंगे, क्लच प्लस करेंगे और इसको सेकेंड पर कर देंगे। क्लच प्लस करते ही सेकेंड हो गया, अब हम चलेंगे थर्ड गियर की तरफ, क्लच दबाएँगे, ये देखो क्लच ये जा रही है ऊपर, इसको क्लच दबाया थर्ड। और अगर आप स्लोप से नीचे जा रहे हैं तो गाड़ी जो है वो न्यूट्रल में कर लें अपनी, मतलब गियर सभी निकाल दें और फुट जो है फुट रेस्ट के ऊपर रख लें, अगर आपकी गाड़ी में फुट रेस्ट है तो, अगर नहीं है तो नीचे भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप फुट रेस्ट पर रखें ताकि जो है हमारी क्विक मूवमेंट हो जाए गाड़ी की वो करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए। सो ये मैं ज़्यादा बड़ा लंबा ब्लॉग, मतलब ब्लॉग कहो या वीडियो कहो, वो नहीं बनाऊंगा। अभी मेरी गाड़ी जो है वो न्यूट्रल में चल रही है, ठीक है ना? तो अभी हम चला रहे हैं गाड़ी और देखते ही देखते अभी हम चल रहे हैं आगे, जो हमारे गाड़ी जा रही है। अभी हम चलते 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 अभी हमें यहाँ से लेफ्ट टर्न होना है। सो अभी हम लेफ्ट पे इंडिकेटर करेंगे, इंडिकेटर ये लेफ्ट किया और चले हम लेफ्ट। अब हम जब भी धीरे करके, जैसे अभी मेरे 20 से भी कम स्पीड है, इससे धीरे करके चलाऊं तो जो है गाड़ी को सेकंड गियर पे रखें, जैसे कि अभी मैंने रखा है। अभी हम थर्ड गियर पे शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो गियर जो है वो ऐसे क्लच दबाया थर्ड, अभी हम जा रहे हैं, चल रही है गाड़ी, फुट रेस्ट पे है, और जैसे ही फिर से आरपीएम ज़्यादा होने लगा वैसे ही फोर्थ तक हो गया। अभी मैं आपको फिफ्थ पे भी बताऊंगा, उससे पहले देखना कि जो गाड़ी है वो अपनी साइड चल रही हो। जैसे अभी हम इंडिया में हैं, इंडिया में लेफ्ट ड्राइव होती है, और चलते ही चलते ही अभी हमारी आरपीएम है जो वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आपने अब फिफ्थ का गियर का ये ध्यान रखना कि अगर आपने ये करना है कि जो गाड़ी है मतलब फिफ्थ गियर में डालनी है ना, तो आपको क्या करना है कि आरपीएम है जो वो दो तक पहुंचने देना है, क्योंकि गाइस दो तक पहुंचने में गाड़ी की मतलब जो वो होती है, क्या कहते हैं उसको, गाड़ी में जो है बंद होने के कम चांस होते हैं। अगर हम आरपीएम दो से कम में हो तो कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी का जो आरपीएम में है कमी की वजह से, यहाँ पे खड्डे बहुत हैं, तो कमी की वजह से जो होती है आरपीएम में गियर गाड़ी बंद होने के चांस होते हैं। अभी जैसे हम मैं फोर्थ में करता हूँ, फिर से खड्डे ज़्यादा थे यहाँ पे, इसीलिए ये करना पड़ा। आगे ये देखिए ट्रैफिक आ रही है थोड़ी सी, ट्रैफिक इतनी नहीं बोल सकते हम, ट्रैफिक
इसको ट्रैफिक नहीं बोलेंगे। सो अभी यहाँ से मुझे टर्न करना पड़ेगा क्योंकि, चलो पहले रिवर्स का बताता हूँ, फिफ्थ गियर जो है वो इतनी आसानी से नहीं डाल सकते हैं हम, तो अभी हम यहाँ से रिवर्स करेंगे। सो टर्न राइट बाय सीइंग एनीथिंग बिहाइंड यू एंड देन पुट गियर इन रिवर्स एंड रिवर्स स्लोली एंड चेक द सराउंडिंग्स फर्स्ट। और आपने देखना है अब कि जो गाड़ी है वो अगर हम मूव कर सकते हैं यहाँ पे तो मूव करेंगे, फर्स्ट गियर में ही करें जब आपने रिवर्स डाला हो या थोड़ी सी गाड़ी चलने लगी हो, तो मतलब स्पीड 0 से ऊपर होनी चाहिए तो हम सेकंड गियर डाल सकते हैं। मतलब स्पीड 0 या 10 से भी ऊपर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है अगर 0 के 10 में बीच में ना हो तो वो चलती ही नहीं है। अभी ये देखिए यहाँ पर ट्रैफिक हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे पानी पिलाया जा रहा है, लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। जैसे कैसे करके मैंने ट्रैफिक से गाड़ी निकाली है, अभी हम जाएंगे फिफ्थ गियर की तरफ। ये देखिए आरपीएम जो है थोड़ा डाउन था इसलिए गाड़ी जो है आवाज़ करने लगी। अभी गियर डाउन करेंगे और आपको फिफ्थ गियर की तरफ लेके भी चलेंगे। अब जैसे ही मैं फिफ्थ गियर डालूंगा आपको फिर मिलूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा जो है वो लंबी हो जाएगी। सो अभी मैं करता हूँ पॉज और मिलते हैं फिफ्थ गियर पे। अभी हमने डाल दिया है गाड़ी का फिफ्थ गियर। जो आरपीएम है वो भी हमने थोड़ा डाउन ही रखा था क्योंकि जो हमें भरोसा था कि हम चल सकते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं। तो अभी मिलते हैं जल्दी गाइज नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो धीरे धीरे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।